हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक में क्या अंतर होता है, अर्थात स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या डिफरेंट है। इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख दे रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम स्माल जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दूसरी ओर हम बना ले रहे हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस दोनों में हम डिफरेंट देखेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो हम बात करते हैं तो याद रखेंगे, सबसे पहले इसका सबसे पहले अंतर यही होता है कि जो स्मॉल जी होता है अर्थात गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, वो उसका मान जो होता है वो सदैव बदलता रहता है। हर जगह क्या होता है, उसका मान अलग अलग होता है। जबकि जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है अर्थात स्मॉल जो कैपिटल जी है, इसका मान सदैव नियत होता है। पूरे ब्रह्मांड में इसका मान नियत होगा। अगर आप यहाँ पर 10 kg हैं तो आप पूरे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाइए, आपका जो मास होगा वो कितना होगा, आप मतलब के होंगे 10 kg के ही होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला अंतर हम लिख देते हैं, सबसे पहला इसका अंतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि इसका इसका मतलब स्मॉल जी, ठीक है, इसका मान का मान सदैव बदलता रहता है। ठीक है, सबसे पहला अंतर यह हो गया कि स्मॉल जी का मान सदैव बदलता रहता है, जबकि इसका अंतर याद रखेंगे कि कैपिटल जी का मान नियत होता है। ठीक है, नियत होता है का मतलब क्या होगा कि गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी जो है कैपिटल जी का मान सदैव नियत होता है, इसका मान कभी भी बदलता नहीं है। तो ये पहला इसका अंतर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे अंतर पे। ठीक है, तो दूसरा जो अंतर होता है याद रखेंगे, जो गुरुत्वीय त्वरण है जो जी है, इसका मान कितना होता है। तो याद रखेंगे मतलब जी का मान याद रखेंगे 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि जो स्मॉल जी का मान इतना होता है। अब आते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक अर्थात कैपिटल जी का मान कितना होता है। तो याद रखेंगे स्मॉल कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, कैपिटल स्मॉल जी का मान इतना, कैपिटल जी का मान इतना होता है। ठीक है, ये दो डिफरेंट हो गए। अब आते हैं हम तीसरे अंतर पे। ठीक है, तो तीसरा अंतर याद रखेंगे, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है इसका मात्रक याद रखेंगे कि इसका मात्रक याद रखेंगे इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और याद रखेंगे जी का मतलब कैपिटल जी का मात्रक याद रखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आपका तीन अंतर हो गए। ठीक है, अब आते हैं हम चौथे डिफरेंट पे। तो याद रखेंगे चौथा अंतर, ठीक है, चौथा अंतर यह होता है कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है, ये कौन सी राशि होती है, मतलब इसकी मतलब जी, इसको मैं लिख दे रहा हूं जी एक सदिश राशि होता है। ठीक है, जी एक सदिश राशि होता है, जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण एक क्या होता है, सदिश राशि होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण नियतांक एक अदिश राशि होता है। तो मैं लिख सकता हूं कैपिटल जी एक अदिश राशि होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये आपके चार अंतर हो गए। तो इस चारों अंतर को आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट रहा हूं। ठीक है,
तो आशा करते हैं दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो चार डिफरेंट है, ये चार अंतर है, ये आपको केवल अंतर में ही नहीं, केवल आपको अंतर में ही नहीं, ये आपके बहुविकल्पी में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इस इन जो डिफरेंट है इसका मान आप हमेशा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें से दो चीज़ों को आपको सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए, सबसे पहले ये, ठीक है, ये इसका कौन सा मान कितना होता है और इसका मान कितना होता है, और जो ये कौन सी राशि होती है, सॉरी मात्रक और मात्रक इसका, ये दोनों आपको पता होने चाहिए, मात्रक और इसका मान, ठीक है। और अगर आपको चारों याद हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आपको हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के संबंध में, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, वीडियो वहाँ से भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।